लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आज मैं आपको गायत्री चालीसा पाठ की महिमा बताऊंगा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। श्री गायत्री दिव्य शक्तियों की जननी है, उनमें अनेकों शक्तियां समाई हुई हैं। प्राचीन ऋषि मुनियों ने अपने अपने साधनात्मक अनुभवों के आधार पर गायत्री की महिमा का गान किया है। उसी महिमा का जनसाधारण को बोध कराने के लिए गायत्री चालीसा की रचना की गई है। गायत्री चालीसा का नियमित पाठ करने से श्री गायत्री की शक्तियों का ज्ञान होता है। जीवन ज्योति प्रचंड शांति क्रांति जागृति प्रगति रचना शक्ति अखंड। अर्थात हे महासरस्वती, महालक्ष्मी तथा महाकाली के रूपों में स्थित श्री गायत्री माँ, आप हमारे जीवन में ज्ञान ज्योति प्रकाशित करने वाली हैं तथा हमें मेधा, प्रभा, प्रतिभा, शांति, क्रांति, जागृति, प्रगति तथा अखंड शक्ति प्रदान करने वाली हैं। जगत जननी मंगल कर गायत्री सुखधाम प्रणवो सावित्री स्वधाम स्वाहा पूरन काम स्वाहा पूरन काम स्वाहा पूरन। आप विश्व माता के रूप में जगत का कल्याण करती हैं, आप में समस्त सुख निवास करते हैं। हे सावित्री, स्वाहा, स्वधा, स्वरूपा, पूर्ण काम मां गायत्री, हम आपको प्रणाम करते हैं। श्री गायत्री चालीसा का पाठ करने से हमारी ये धारणा दृढ़ होती है कि गायत्री देव माता, वेद माता एवं विश्व माता है। इस धारणा से हमारी श्रद्धा, भक्ति तथा निष्ठा को बड़ा बल मिलता है। तो आइए हम भी गायत्री चालीसा का पाठ करें। काल चक्र से जब मैं एक बार फिर पीछे की ओर झांकता हूं तो मुझे गायत्री के एक और महान भक्त ऋषि अत्रि की छवि दिखाई देती है। उनका कहना है, गायत्री आत्मा का परम शोधन करने वाली है। जो मनुष्य गायत्री तत्व को भली प्रकार समझ लेता है, उसके लिए संसार में कोई सुख शेष नहीं रह जाता। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः
तत्स वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्स वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्स वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्स वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्स वितुर्वरेण्यं। वो देखो, तन मन की सुधि भूलकर समाधि में लीन है। अच्छा अवसर है, इसे उठाकर ले चलो और आग में झोंक दो, पहुंच जाएगा अपने पिता ब्रह्मदेव के पास। भर्गो देवस्य धीमहि। तुम दोनों वहां से चलो, तुम यहां से चलो। तत्स वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्स वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्स वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्स वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे रुको, तुम लोग ऋषिवर को कहां ले जा रहे हो? छोड़ दो इन्हें, इसे भी पकड़ लो। अत्रि के साथ का भी दाह संस्कार कर देंगे, देखते क्या हो। पकड़ लो इसे, बचाओ मेरा भाई, बचाओ बचाओ बचाओ, वही है। दुष्ट दैत उन्हें उठाकर ले गए हैं। दैत उठाकर ले गए हैं? हाँ, अत्रि मुनि समाधि में है, चेतनाहीन है। दुष्ट दैत उन्हें मार डालेंगे। किधर लेके गए हैं वो? ईश्वर ईश्वर चिकित्सा कीजिए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। चलिए ये देखिए, हैरो दैत्यो धियो यो नः प्रचोदयात्। ये कैसा अनर्थ कर रहे हो? ओम भूर्भुवः स्वः, एक जीवित पुरुष को जला रहे हो? छोड़ दो महर्षि को, नहीं तो बड़ा ही विनाशकारी परिणाम भुगतना पड़ेगा तुम लोगों को। पहले इसका परिणाम देख लो, फिर तुम्हें भी इसके परिणाम तक पहुंचा देंगे। अच्छा भ्राता, कहिए। लगता है इन दैत्यों को अपना चमत्कार दिखाना ही पड़ेगा। आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा? नहीं।
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः जागिए महर्षि। भर्गो देव महर्षि जागिए। बंधु, इनकी आत्मा, इनका चैतन्य माँ पराशक्ति के चरणों में रमा हुआ है। भर्गो देवस्य धीमहि। तुम ठीक कहते हो, हमें माँ गायत्री से ही प्रार्थना करनी होगी। हाँ, हे माँ गायत्री, अपने अनन्य भक्त ऋषि अत्रि की चेतना लौटा दें, हमारी अर्चना स्वीकार करें माते। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।